वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोगों को भी यार ई स्पोर्ट्स की न्यूज़ से रिलेटेड अपडेटेड रहना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोगों को सारी अपडेट इस चैनल पे मिल जाएंगी। एंड हमारा गोल है 1,18,100 सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है पावर हाउस को लेकर, तो हमारे को यार कुछ एलिगेशन वगैरह उन पर लगती हुई दिखाई दी थी कि उन्होंने इन गेम क्वालिफायर्स के अंदर हैक्स यूज करे हैं। तो बेसिकली हमारे को जो स्नेल ओपी उनकी एक स्टोरी देखने को मिली जहाँ पे किसी ने लिखा था कि जो पावर हाउस है वो हैक्स यूज कर रही है। एंड इसके बाद हमारे को कुछ चैट्स देखने को मिली टेलीग्राम की जहाँ पे बेसिकली ये चीज लिखी हुई थी कि यार हैक वगैरह यूज करने इन गेम क्वालिफायर्स में। एंड जो चैट्स है वो आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। एंड इसके बाद कुछ और भी स्क्रीनशॉट हमारे को वायरल होते हुए दिखाई दिए जिसमें हमारे को एक कन्वर्सेशन देखने को मिली थी जिसमें जब पावर हाउस से इस चीज से रिलेटेड पूछा गया तो उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा था बात करी हो तो उस चीज के लिए नहीं बोल सकते, गेम में यूज किया है तो बोलो। एंड जब उनको बाकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करे गए तो इस चीज पे भी उन्होंने रिप्लाई करा। एंड इसमें उन्होंने बोला था गेम का बताओ ना, हैक यूज करने की बात हो रही है चैट की नहीं है। उनकी जो चैट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद जो डायनामो उनसे काफी लोग पूछ रहे थे लाइनअप से रिलेटेड, तो इसमें उन्होंने बताया था कि वो वर्क कर रहे हैं लाइनअप पे। उन्होंने इस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। ऋषभ पता नहीं भाई, ऋषभ भाई बिल्कुल अलग रहते हैं भाई, हमसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात थोड़ा काम में लगा रखा है उसको मैंने कुछ चीजों के लिए। अच्छा लाइनअप के लिए, ओ सॉरी स्ट्रीम पे नहीं बताना था भाई। चलो हम कुछ और भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है लाइनअप। हां ठीक ठीक सब होने का। 1,34,000 में सिर्फ 8 मटेरियल भाई, गलत है भाई ये भाई। गाइस इतने पैसे बर्बाद नहीं करने गाइस, यार कम ऑन यार। ठीक है अभी लाइनअप वाइनअप भी लेनी है, थोड़ा उनको भी सैलरी देना है गाइस, ऐसा मत करो यार हैं। और ना फिर बाकी लोग मुंह उठा के आके बोल देंगे हमने सैलरी दी हमने सैलरी दी, तो ऐसे नहीं गाइस। तो भाई देखो गाइस एकेएम निकालेंगे सेट निकालेंगे बस जय राम जी की, ठीक है गाइस और कुछ नहीं करेंगे। एंड इसके बाद हमारे को जो जेली है उनकी एक स्टोरी देखने को मिली थी जहाँ पे उन्होंने बेसिकली बात करी थी कमबैक से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने लिखा था बस इतना ही बोलूंगा मेरे पे भरोसा रखो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन टॉप पे आऊंगा। क्योंकि मैं खुद से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहा हूं, जब भी मेरी कंपनी देखो मैं खुद के फंस जाता था यहां पे, तो किसी बात पे ब्लेम नहीं डालता था, खुद को लेके चलता था और सेल्फ ऑनेस्टी एज फिर भी था। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है गॉडलाइक को लेके, तो जो गॉडलाइक का BGS लाइनअप रहने वाला है इसके अंदर हमारे को शैडो बेंच देखने को मिलने वाली है। तो इससे रिलेटेड बात करी थी लॉल्स ने अपनी स्ट्रीम पे जहाँ पे उन्होंने बेसिकली बताया था कि मे बी हमें देख सकता है कि जो न्यू है वो आईजिलिंग करते हुए दिखाई देंगे। एंड साथ में उन्होंने लाइनअप से रिलेटेड बात करी गॉडलाइक की, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो आप लोग देख लो। गॉडलाइक का लास्ट मैच कितना प्यारा खेले भाई वो लोग, साला ओल्ड वाइब्स आ गई थी मेरे को कि भाई जहाँ भी बंदे दिख रहे घुस के पेल रहे हैं। ये फॉर्म बहुत अच्छा था इनका, बस ये पता है एक मैच अच्छा चले जाता ना, वो जो तीन मैच खराब हुई थी अपने, अगर वो 3 दिन में से एक मैच अच्छा जाता ना अभी वो लोग राउंड 3 पहुँच जाते हैं। बट अभी राउंड 2 से उनको करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही राउंड क्लियर करना है वो लोग कर लेंगे। अभी है टाइम है 9-10 दिन का गैप है, वो गैप में वो लोग देखेंगे क्या करना क्या नहीं, क्या क्या चेंजेस लाने। कोई बात नहीं फॉर्म में तो आ गए, देखो फॉर्म में आ गए वैसा नहीं है, कंटिन्यूस वो लोग खेले ना, मेरे को लग रहा है ये लोग ये टीम से ही खेलेंगे। जब तक सब को देख के लग रहा है ना ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट IGL कौन कर रहा है ये अभी भी ट्रिकी चीज़ है मेरे लिए, आई डोंट नो। जब तक लग रहा है नियो कर रहा रहेगा, क्योंकि जब वो नियो मेरे साथ खेलता था लाइक स्क्रिम्स वगैरह तब नियो ही सारे कॉल्स देता था, अभी मेरे को लग रहा है कि नियो कर रहा होगा IGLing, जब तक मेरे को लग रहा है, ठीक है पर्सनल ओपिनियन। बाकी जो भी कर रहा है बहुत सही कर रहा है, एंड कुछ नया है ये 4 Assaulter टूर्नामेंट खेल रहा है, ऑफिशियल टूर्नामेंट खेल रहा है। शैडो है, शैडो तो अभी नहीं खेल रहा ना, वो ब्रेक पे है, तो शैडो की जगह अभी जो आज खेले ना 4 उसमें से कोई एक तो होगा ही IGL, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई क्लासिक की तरह घुसो, वैसा तो नहीं होगा, तो सही है अच्छा जा रहा है। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो ओशन शर्मा है वो हमारे को कास्टिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसी के रिलेटेड बात करी थी फिक्सेस ने अपनी स्ट्रीम पे, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। ओशन को क्या हुआ, ओशन का मुंह नहीं खुल रहा, ओशन का तबीयत काफी टाइम से 101 कुछ बुखार था, मैंने उसको रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज भाई रेस्ट ले ले, बट नहीं। फिर ओशन आया, मैं बोला शांति से करते हैं, फिर ओशन फटा 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 ऐसा फटा कि उसका गला फट गया। अभी वो 1-2 दिन 2-3 दिन रेस्ट में है, तो प्लीज़ उसको गेट वेल सून भेज देना।
एंड इसके बाद जो फिक्सेज हैं उनसे काफ़ी लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे कि जो टीम आया हुई है उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रूफ्स वगैरह मिल गए हैं, इसके बाद भी वो बैन क्यों नहीं हो रही है। तो इस पर उन्होंने रिप्लाई करा जिसमें उन्होंने बताया था कि मे बी जो क्राफ्टन है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है टीम मायावी को, तो उन्होंने इस पर क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। Why is Team Mayavi not being banned after enough conclusive proofs? I think Krafton has given them a green. Krafton ne de diya to ab kya hi bol sakte hain? Plus conclusive proofs nahi hai. These are all circumstantial evidence that are being putting up. इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो सिड भाई उन्होंने एक मूवमेंट के बारे में बात करी थी जहाँ पे जो टीम सोल है उनकी जो पिंग है वो अच्छी नहीं आ रही थी, एंड जब वो एडमिन्स वगैरह से बात कर रहे थे हमारे को फाइट देखने को मिली थी इनसेन के साथ जहाँ पे जो इनसेन है उन्होंने वाइप कर दिया था टीम सोल को, एंड वो वाली क्लिप अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी। तो इसी चीज से रिलेटेड जो सिड भाई उन्होंने रिप्लाई करा अपनी स्ट्रीम पे, तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। इनसेन ने अपना लैग आउट वाला क्लिप डाला है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इट्स फाइन यार। मतलब हम देखो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता इतना ये सब चीज़ों से। ये वही क्लिप है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम लोग कम्प्लीटली लैग्ड आउट है, 400 पिंग पे टेलीपोर्ट हो रहे थे यहाँ वहाँ। इट्स नॉट अ बिग डील, एवरीबडी इज अलाउड टू डू बैंटर, वी विल ऑल्सो डू बैंटर वेन द टाइम कम्स। बट या वॉकआउट की वजह से मैनेजमेंट, एंड इसके बाद हमारे को जो गोल्ड डिवाई की स्टेटमेंट देखने को मिली थी वॉकआउट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड बात करी थी फिक्सेस ने अपनी स्ट्रीम पे। एंड इसके बाद काफ़ी लोग एक चीज़ बोल रहे थे कि जो टीम सोल है उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए क्योंकि वो वॉकआउट कर गए थे, एंड इस चीज़ के ऊपर रिप्लाई किया था आईफिक ने अपनी स्ट्रीम पे, तो उन्होंने क्या बोला आप लोग देख लो। करती हैं कैसे खेलती हैं एल मैनेजमेंट, गोल्डी भाई ने कहा बॉयकॉट दिस टूर्नामेंट, कर सकते हैं लाइक किसी ने मना तो नहीं किया उनको, इफ दैट इज व्हाट दे वांट इट्स ओके। लाइक Obviously, यार एक और के पास हमेशा चॉइस रहता है, जब भी एक टूर्नामेंट होता है यू गेट एन इनवाइट, आप चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हो, आप चाहे तो मना कर सकते हो, दे कैन डू इट, एनी टीम कैन डू इट। यस इट विल विथ सोल बीइंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट देर विल बी लेस वॉचिंग, व्यूअरशिप कम होंगे, नो डाउट, वी कांट डिनाई दैट, ठीक है, बट दैट डजंट मीन दैट द शो विल नॉट गो ऑन, राइट? देर आर N plus 99999 teams waiting कि एक chance मिल जाए, एक और invited slot रह जाएगा या फिर एक और invited team आ जाएगा, as simple as that ना। नहीं बोला गोल्डी भाई ने, अबे क्या लोग हैं। और I just saw a tweet कि जब सिड भाई का and गोल्डी भाई had asked कि अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो that's obviously यार for an org owner it's fine, it's his opinion, we are not going to question that, and it will affect on a grand scale of things, definitely viewership pe bahut effect padega, but the tournament can't be closed na. Teams who would walk away should get disqualified. Are yaar dekh Nordic LAN pe exactly kya hua main batata hu, main wahan pe tha, theek hai, so it was like second game pe tumko lag raha hai ki bhai third game pe scene hua hai, second game pe ही सीन हुआ था, और ट्रायल रन में भी बताया गया था, बेसिकली ओमेगा ने बताया था उसके पीछे जो खड़ा हुआ एडमिन्स को, और बहुत सारे और भी टीम्स एडमिन्स को बता रहा था कि कुछ कुछ जगह पे जो है जहां पे टीम बैठते हैं वहां पे फुल रेंज नहीं मिलता, या फिर कुछ सीन है कि वहां पे पिंग आता ही नहीं है, उनको पिंग जो है बहुत ज्यादा स्पाइक होते रहता है। सो ये चीज जो है एडमिन को नोटिस करने के बाद भी व्हाट एडमिन डज इज करके हाँ एडमिन माइक में बोल देता है और खत्म हो जाता है, पर कुछ सोल्व नहीं होता था। तो जब ड्राई रन चल रहा था तभी भी बोला था, बट फर्क नहीं पड़ा, देन गेम पे आ गया तभी भी बोला था, मैच स्टार्ट होने से पहले भी दिखाया था बट तभी भी कुछ सोल्यूशन या फिर रेसोल्यूशन नहीं किया। तो फिर जैसे जो इनसेन का पुश आया था ना इरांगल पे, तो वैसे ही पुश आते ही एक बंदा मरते ही भाई दूसरा जो बंदा अंदर, एक्चुअली इनसेन जो बीच में से ऐसा आके पुश कर दे आराम से मार भी सकता था, बट ऐसा था कि पूरा ग्लिच हो रहा था कि उनको मतलब कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा था, तो सोल तो पूरा वाइप हो गया, और फिर क्या सीन हो गया तब भी उठ के आ गया था, सेकेंड मैच पे उठ के आ गया था, बस वो स्क्रीन पे नहीं दिखाया बट तभी उठ के आ गया था, और तभी सीन चालू हुआ था ये वाला जो है। फिर नेक्स्ट मैच चालू होने से पहले क्योंकि ये लोग उठ के आ गया और इनको इन लोग ने रिपोर्ट किया फिर भी यू नो बोला नहीं, और सोल वाले बोल रहे तो भाई मतलब उनके लिए उनको भी तो देखना पड़ेगा, राइट? तो पहले से इतना वार्न करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, तो यार they had to do that, and फिर क्या हो गया, फिर जाके change आ गया कि भाई they then kept a dry run, third match होने से पहले dry run हुआ है,
पर ड्राई रन में भी वही सीन हो रहा था, और फिर सब लोग को बिटा के यू नो सारे टीम्स को पूछा, तो सारे टीम्स को ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टीम्स वर फेसिंग द सेम इश्यूज, बिकॉज कुछ कुछ जगह पे नहीं मिलता था, वहां फोन इतना लैग मारता था कि यार शायद पिंग की वजह से नहीं, फोन की वजह से भी हो सकता है, शायद हो सकता है कि पिंग सही हो, फोन इतना टट्टी है कि वो लैग ही मार रहे कि 30 FPS चला जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि मतलब यू नो फोन की वजह से लैग हो रहा है कि इसकी वजह से लैग हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा सीन था। सो ड्राई रन किया थर्ड मैच से पहले, ड्राई रन किया, बोला कि सब सही है सब सही है करके, वापस थर्ड मैच चालू हो गया, वापस वही सिचुएशन हो गया, तो सब लोग ने यू नो आई थिंक ओमेगा और टीम सोल स्टार्टेड इट, खुद का नेड करना और खुद को उड़ाना, उससे पहले कुछ ऐसा रिहर्स कुछ नहीं बोला था, सब लोग ने खुद से ही डिसीजन ले लिया कि भाई अभी खुद को उड़ाना ही पड़ेगा, दैट इज ओनली वे टू रिहोस्ट दिस, एल्स रिहोस्ट नहीं होने वाला और चलने वाला था। देन सीधा कैमरा बंद और नेक्स्ट जो है आपको ऐड दिखा होगा, बट हमारा सीन में तो वैसा था कि सब लोग उठ के चला गया, सब लोग। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है जोकर को लेके, तो यार आप लोगों को भी पता ही है काफी टीम्स की हमारे को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन काफी लोग सिर्फ बात करते हैं गॉड लाइक एंड सोल के बारे में, इससे रिलेटेड हमारे को खुश देखने को नहीं मिले थे जोकर अपनी स्ट्रीम पे, तो उन्होंने इस चीज पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। पता है मेरे को बुरा चीज का लगा, ओवरऑल स्टैंडिंग आया ना, अपन ने अच्छा खेला, केविन ने अच्छा खेला, सीएस स्पोर्ट्स अपन टॉप 3 टीम से, ठीक है, तेरे को पता है इन टॉप 3 की बात कोई नहीं कर रहा है, सारे यही बात कर रहे हैं, कोई गॉडल को हेट दे रहा है, कोई सोल को बोल रहा है अच्छा के लिए अच्छा के लिए, भाई यही चल रहा है पूरी चैट में, देख के दिमाग खराब हो जाता है, केविन वाले बंदों के लिए बुरा लगा, सही है, इतना प्यारा खेले ये लोग, लेकिन कोई अप्रेज करने को रेडी नहीं है, भाई लोगों को सिर्फ सोल गॉड लाइक दिखता है, एग्जैक्टली दिखना भी चाहिए, लाइक दे हैव द फैन बेस, बट जो टीम्स अच्छा खेल रही है, जो अच्छा अपना केविन है, केविन यार कितना लीड है उनका, देखो उनका लीड देखो 130 कुछ तो भी पॉइंट्स है उनके, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट केविन, ओके, पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि गॉड लाइक का परफॉर्मेंस बैड आ रहा है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि सोल बिना चिकन के काइंड ऑफ अच्छा अच्छे खेली, ठीक है टीम्स अच्छा खेली नो डाउट, लेकिन जिसने टॉप किया एटलीस्ट उसको तो अप्रेस करो, केविन को अप्रेस तो करो एटलीस्ट, तुम लोग ई-स्पोर्ट्स ग्रो बोलते हो तो फिर भाई जो टीम अच्छा खेली है उसको अप्रेस तो करो एटलीस्ट। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।